हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंका हैप्पी किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही 10 मिनट बन के रेडी होने वाले ब्रेड रोल की रेसिपी, जो बहुत ही बन के एक बिल्कुल क्रंची हो जाते हैं और ये खाने में बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपीज़ की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। तो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेड रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने दो हरी मिर्ची ली, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। थोड़े से मैंने काजू के टुकड़े लिए हैं, एक मैंने प्याज लिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ले सकते हैं, बिल्कुल मैंने बारीक सा काट लिया, और दो मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। ठीक है, तो हम इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। पहले तो मैंने ये पैन ले लिया है, अब इसमें मैं डाल दूंगी एक टेबल स्पून ही डाला जाता नहीं, बस केवल थोड़ा सा, अपन को सिर्फ स्टफिंग करनी है, ये काफ़ी है। मैंने ऑयल ले लिया, हल्का सा ऑयल लिया है सिर्फ, तो गरम करके तो ये ऑयल गरम हो गया है। बस मैं डाल देती हूँ ये हरी मिर्च, आप जीरा राई वगैरह डालना चाहे तो डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालना चाह रही इसलिए मैंने स्किप कर रखा है। हल्को से इसका रोस्ट करके हम इस पर डाल देंगे ये प्याज, अगर आपके पास फ्रोजन मटर हैं, सीजन के मटर हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। हल्को से इसका रोस्ट करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये काजू के टुकड़े। हल्का सा मैंने इसे भून लिया है, अब इसमें हम डाल देंगे ये नमक, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ी सी हल्दी और ये आधा सा चम्मच लाल मिर्च, वो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। एक मिनट इसे चला के हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। मैंने इसे भून लिया अच्छे से, अब मैंने आलू क्रश कर लिए, इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही इंस्टेंट ब्रेकफास्ट है और ये बनता भी बहुत अच्छा है, लगता भी टेस्टी है। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये आधा चम्मच मैंने अमचूर लिया है। बस ये अब धनिया डाल के हम ऐसे से मिला के इसको गैस को बंद कर देंगे। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। इसको 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेना, उतारने के बाद फिर हम इसकी ब्रेड रोल्स बनाते हैं। आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहें, जैसे गरम मसाला हुआ, जीरा पाउडर, तो आप कर सकते हैं, पर मैंने अमचूर डाल दिया इसलिए मैंने नींबू भी ऐड नहीं किया है। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ 5 मिनट के लिए, गैस को बंद कर देते हैं। तो ब्रेड रोल्स के लिए मैंने ये ब्रेड लिए हैं मीडियम साइज़ की, जो भी आप ले सकते हैं, लेना चाह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम इनके चारों के कॉर्नर्स काट लेने हैं ब्रेड्स के। आप बिना काटे ही बना सकते हैं, पर अगर काट के बनाएंगे तो वो और भी ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ये निकाल लेने आपको साइड में, ऐसे करके रख लेने, ऐसे में सारे के काट लेने। तो स्टफिंग वगैरह सब रेडी हो गई है, मैंने ये भी इसके स्लाइसेस चारों तरफ से काट लिए हैं। अब हमें एक नेक्स्ट स्टेप करना है। अब मैंने ये बाउल में थोड़ा पानी लिया है, अब हमको क्या करेंगे, ब्रेड पे इसमें डिप करेंगे, अच्छे से डिप करना और पानी बहुत अच्छे से निकाल लें ब्रेड का, बहुत अच्छे से आपको इसमें बिल्कुल डिप करके पानी बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए ब्रेड के अंदर। ये देखो कंप्लीट निकाल लिया है पानी, अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो हम इसमें रख देंगे और ब्रेड को चारों तरफ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा सा टूटेगा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। ये देखो ऐसे आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। ये हमारा ब्रेड रोल रेडी हो जाएगा, ये देखिए ऐसे। बाकी के भी हम ऐसे ही बना लेंगे, देखो बिल्कुल टूटेगा कोई दिक्कत नहीं है ब्रेड, लेकिन आपको बिल्कुल चिपका देना है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और इसको बना के रख लेते हैं, नेक्स्ट वाला बना लेते हैं। अगला भी हमें ऐसे ही बनाना है, डिप करना है पानी के अंदर, पानी बहुत अच्छे से निचोड़ लेना है ब्रेड का, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जब हम फ्राई करेंगे तो खुलने का डर रहता है।
स्टफिंग बनाई थी, स्टफिंग रख देंगे बीच में और इसे भी हम ऐसे ही बना लेंगे। ये बन गया सेकंड हमारा। तो बाकी के रोल्स भी हम ऐसे ही बना लेते हैं, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो ऑयल अच्छे से मैंने गरम कर लिया है, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं और फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखिएगा ताकि अंदर से कच्चे ना रहे, और एक एक करके डालिएगा नहीं तो चिपक भी सकते हैं। अब फ्लेम इसका मीडियम रखना ताकि ये चिपके नहीं और अंदर से वरना कच्चे नहीं रहेंगे। ये देखिए हल्के हल्के से ब्राउन होने लगे हैं, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, नॉर्मली ब्राउन जब हो जाएंगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये अच्छे से सिक गए हैं, एकदम ब्राउन भी हो गए हैं, देखो कितने क्रिस्पी से बने हैं। एकदम रूम टेम्परेचर में रखने का इसको यही फायदा है कि बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। जब भी बनाओ तो इनको बनाने के बाद थोड़ी देर इसको कम से कम 5-10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इनको इतना ही ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब बाकी के भी मैं ऐसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने इनको निकाल लिया है, देखो ये कितने क्रिस्पी एकदम क्रंची से हो गए हैं। इनको रूम टेम्परेचर पर रखने से यही एडवांटेज मिलेगा आपको, बिल्कुल क्रिस्पी से बनेंगे, कितने टाइट हो गए। अब बाकी के मैं वैसे निकाल लेते हैं, बाकी के भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं और फिर हम इन्हें सर्व करते हैं सॉस के साथ, दही के साथ या हरी चटनी के साथ। तो हमारे क्रिस्पी से ब्रेड रोल बनके बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।